मास्क लगाओ यार, चलान है अंजलि 1000 रुपए का। ये देखो इन्होंने भी मास्क लगा रखा है, तो तुम्हें तो लगाना ही चाहिए। फोटो शूट हो रही है हाँ। क्या चलो जाओ, तुम ही नहाओ, हमको नहीं जाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज का सीन क्या है, मैं सुबह सुबह बताता हूँ। आज है संडे, सबसे पहले तो सुबह के बज रहे 9 o'clock और जो अंजलि के साथ मैंने मोमोज चैनल लगाया था उसमें हारने की वजह से अंजलि को आज घुमाने लेके जाना है कहीं अच्छी जगह पे, तो वो आज होने वाला है, वो मैं उसको आज लेकर के जाने वाला हूँ। तो अभी अंजलि मैडम तो नहाने के लिए गई हैं और मैं यहाँ पे देखो, एक तरफ ग्रीन टी है और एक तरफ दूध वगैरह जो भी चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाएंगे। तो सुबह सुबह मेरा तो शेड्यूल ही है, सुबह सुबह ही खसखसी हो रही है गले में। तो अभी एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, कल अंजलि ने पिज्जा चैलेंज लगाया था है ना, जिसकी वजह से अंजलि की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा है ना। उसने बड़ा जल्दी करके बहुत सारा पिज्जा मंगवा भी लिया और खा भी लिया है ना, तो एक्चुअली था वो बहुत बड़ा, तो इस करके उसकी तो हालत ख़राब है। वो कह रही है मेरे से अभी कुछ नहीं खाया जाएगा है ना, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊँगी, मैं पानी पीऊँगी, मेरा पेट ना ऐसा लग रहा है जैसे हैवी सा हो गया बहुत सारा खा करके। तो मैंने बोला कि ये सब तुम्हारा किया था बिकॉज तुमने ही मंगाया था। अंजलि बहुत बोल रही ना कि मैंने ज़्यादा खा लिया पिज्जा, तो मतलब कि मेरा हालत ख़राब है मेरी है ना। तो ऐसा करते हैं, उसको ना ऐसी जगह मैं लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे उसकी हालत और ख़राब होने वाली है, मतलब कि जो जितना उसने खाया है ना सारा कुछ डाइजेस्ट होने वाला है उसका। ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे चलना पड़े बहुत ज़्यादा, टिक 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 टिक, तो ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ उसे। तो अंजलि मैडम सुबह सुबह बना रही हैं, मतलब बना रही है, क्या बना रही है? मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना दिया कि मैंने बनाया है, वो समझ गई बनाए हैं। पी रही है, बोलो। हाँ, और ये हैप्पी कौन सा ब्रदर वाला ले लिया कप फिर से? आपने निकाला है। तो मतलब मैंने ही निकाला, मतलब ये भी स्वीकार कर लिया तुमने है ना, तुम सिर्फ पी रही हो। फ्रेंड्स ये देखिए सुबह सुबह काजल वाजल लगा के पूरा काली माता बन रही है अंजलि, और मैं तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा हूँ अंजलि है। ये शर्ट अच्छी तो लग रही है ना मेरे पे, अब उनको तो डाउट लग रहा है कि पता नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट मैंने क्या ले लिया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मैंने ये शर्ट डाली है, आप लोग कमेंट्स करके बताना है कैसी लग रही है ये शर्ट, अब उनको तो डाउटफुल है बट कम्फर्टेबल है। इसका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट सा है कॉटन का। सुबह सुबह क्या हो रहा है अंजलि ना, मतलब कुछ पुरानी यादें हैं जो अभी रिपीट कर करके मुझे सुना रही है, और सही बताऊँ तो सुन के ना मतलब खुश हो गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, और अंजलि का मुंह लटक गया है। तो अपने यार बहुत खुश है अंजलि, घुमाने लेके जाने से पहले तूने मेरे को बहुत क्या मजे मजे बातें कर रही है ना, ये हमेशा ऐसी ऐसी कभी कभी बातें करती है ना, तो भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है ये सुन के, बट मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, ये थोड़ा पर्सनल है, मतलब फैमिली मैटर में है, तो चिल लिया। तो ये रहा अंजलि का बिस्किट का डब्बा और ये रही कॉफी। आ जाओ अंजलि मैडम, क्या कह रही हो? बात मत करो। आईब्रो लगा रही है लाइनर, अरे कैसा आईब्रो फूला फूला सा लग रहा है, कल बनवा के आई थी क्या, सूझ गया ला रे बाबा। तो फाइनली मैं और मनी हम दोनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, तो चले मनी। यार ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हो आप। एक बात बताता हूँ मैं, सच्ची बताता हूँ, पहले तो एक बात है भाई, अपनी तारीफ ना खुद कर लेनी चाहिए भाई, मैं तो आज बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ इसमें यार, अपने को मैं स्मार्ट लग रहा है, तुम चुप रहो यार, आप लग रहे हो यार, तुमसे नहीं चाहिए था यार, मैं कुछ और लाइन बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खुद कर लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हैं, खुद ही करनी चाहिए, खुद ही करनी चाहिए भाई। अब जाओ जो बोलना है बोलो, भागो यार से, जाओ अपना बाल ठीक करो, बेल ठीक करो। बेटा जो हतना को लग रही है ना, अरे बाप रे कितना बड़का लग रही है अंजलि। मनी आप ना ज्यादा बनो मत, ये ले पूरा एकदम तरबूजा के खरबूजा लग रही है तू तो। पकड़ो पकड़ो, हम नहीं पकड़ेंगे, आप नहीं लग रहे नहीं, तू तरबूजा के खरबूजा इतना को लग रही है, अपने लग रहे कुछ ज्यादा नहीं, तरबूजा खरबूजा कर रहे हो हैं, नहीं कर रहे? मैं तो खरबूजा हूं। ये रा मनी एकदम कैसे लग रहे हो, ओल नहीं होता ओल ओल,
ओल नहीं पता? ओल मतलब ओल की चटनी जो बनता है, वैसे लग रहे हो। मेरा मजाक उड़ाने के लिए कुछ नहीं, नहीं सच्ची में लग रहे हो ऐसे ही, पुरनका जमाना में, पुरनका जमाना वाला हीरो नियर लग रहा है, शॉर्ट भी उसी। ए हां हां वो तो बेल बटन लग रही है अपने, बेल बटन। अंजलि यही कितनी क्यूट क्यूट साइकिल्स है ना ये, और ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, ये देखो ये वाला ऐप है, स्मार्ट बाइक है ना, और इसको आप ले जा सकते हो कहीं भी, चलते हैं इसी से ना आगे सुखना। भाई मेरे से नहीं चलेगी। फ्रेंड्स हम यहाँ पे आए रॉक गार्डन में, यहाँ पे चंडीगढ़ है, और ए फैंटासी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाद में पढ़ूंगा अभी तो चले। ये टिकट काउंटर 30 रुपीज। ले लिया? चेंज नहीं है, मैं चेंज करवा के आता हूँ। ठीक है, शुक्र है मिल गई। मिल गई टिकट? चले यार, बड़ों के हम दोनों ही बड़े हैं, बड़ों के 30 रुपए है और बच्चों के 10 रुपए टिकट। चले अंजलि, ऊँट पे तो नहीं चढ़ना तुम्हें? ऊँट पे चढ़ना है? लेकिन नहीं अभी नहीं, चढ़ जाओ जाओ। मास्क लगाओ यार, चलाना अंजलि 1000 रुपए का। ये देखो इन्होंने भी मास्क लगा रखा है, तो तुम्हें तो लगाना ही चाहिए। चलो वाह मनी, एंट्री हो चुकी है रॉक गार्डन में, अब हम अंदर मास्क हटा सकते हैं अपनी मर्जी से। जहाँ पे एक्चुअली भीड़ भाड़ नहीं होती ना जगह, वहाँ पे तुम हटा सकते हो कुछ देर के लिए, हाँ। पर जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे आपको मास्क लगा के रखना होगा। वैसे इन पत्थरों का समझ में नहीं आ रहा है किस चीज का, है ना? ऐसे करके ऐसे रास्ता बना हुआ है। हाँ चलो चलो, चलो इस गुफा में घुसो। यहाँ से हम आगे बढ़े, ये जो रॉक गार्डन है ना, हाँ ये जो रॉक गार्डन है ना, ये वेस्टेज चीजों से बना बना के बहुत बड़ा पार्क बनाया। जो चीज हम फेंक देते हैं ना, अब जैसे प्लास्टिक की चूड़ियाँ टूटती है उसे भी फेंक देते हैं, टूटे फूटे पत्थर टाइल्स, हाँ ये सब चीजें आप देख सकते हो, कोई कप प्लेट टूटे हुए हैं उसके बने हुए कितने प्यारे, कोई प्लेट टूटा हुआ है, ये कोई कप कुप का लग रहा है ना, ऐसी वेस्टेज चीजें है जिससे ये बनाया गया इतना सुंदर पार्क। इसका नेक चंद 1958 में बनाया गया था, और हाँ और 1988 में रेडी हो गया ये पूरा का पूरा पार्क, उन्होंने किया रेडी। 30 साल लगे। हाँ ये छोटे छोटे पत्थर कैसे रखे हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है, मतलब है ना, उधर गणेश जी लग रहे हैं वो तो मेरे को, है ना, ऐसा लग रहा है। ओके इधर नो एंट्री है वहां पे। ये मटकों से बनी हुई चीजें हैं, है ना, मटके हैं। नहीं करो, हिल रहा है, आवाज भी आ रही है। इधर म्यूजियम है, हाँ कुछ है पुराने टाइम के ना, यहाँ पे चीजें रखी हुई है, ये आपको दिख सकता है, बहुत ही पुराने टाइम की चीजें हैं। चलो जी
ये कितना कलरफुल सा लग रहा है ना, है ना? वाह, ये रहे मटके यार, ये कितना ऑसम लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा। मनी, छोटू से घर में नहीं चलना, चलो। नो एंट्री, आजो आजो। वो छोटा सा घर कैसे छूटा ना? हाँ, सीमेंट से बनाया, और सीमेंट से पहले घर बनाया और उसमें छोटे छोटे पत्थर चिपकाए हुए हैं। वैसे ये जगह सच में बहुत ही अच्छा है। अभी तो ये इतना बड़ा, अभी तो हमने एक तिहाई भी नहीं घूमा हुआ है, और कितना प्यारा लग रहा है ना। आगे झील स्टार्ट होने वाला है ना, झरना झरना टाइप का है, बहुत ही प्यारा है। तो वो स्टार्ट होने वाला है, और मे बी आपको आवाज भी आ रही होगी थोड़ी बहुत। नहीं आ रही। आ रही है, चलो मनी चल लो। मास्क को तो हटा लो। ने फोटो शूट करवाया, वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उन्होंने हमारा एक फोटो शूट किया है, बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे भी ना म्यूजियम सा है कुछ, है ना? कुछ है क्या? खाली है, ये मुझे ऐसा लग रहा है पुराने जमाने का ना घर है ये। आपको अंदर दिख सकता है, मिट्टी के बने हुए ये पुराने टाइप का घर है। यही चीज बस इसलिए ये कवर किया हुआ है। घर है ना, ये नेकचंद का है। यहाँ पे वो डिजाइनिंग करते थे हर चीज की, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है ना, जितने भी चीजें बने हुए हैं विस्टे चीजों से, तो वो यहीं पे बैठ के बनाते थे। उनका ये घर था। अच्छा, इस पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से महान कलाकार नेकचंद की अद्वितीय कलाकृति रॉक गार्डन का निर्माण आरम्भ हुआ। वही चीज है, मतलब यहाँ से आरम्भ हुआ था बनना। यहाँ से आरम्भ हो रहा है। मनी आप गलत साइड जा रहे हो, इस साइड को जाना है। चलो तभी यहाँ पे ये छोटा वाला है झरना। यहाँ पे अभी तो ये छोटा वाला ही है ना, अभी तो इससे भी बड़ा वाला झरना बाकी है, तो हम यहाँ चलते हैं। तो इतना प्यारा है ना, क्लीन ही है पानी, ठंडा ठंडा है। चलो 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 जल्दी। एक और गुफा शुरू हो गई यहाँ पे तो। वाह जी वाह, स्केचिंग चल रही है। चलो मैडम। पेंट वहाँ पे पेंटिंग नहीं चल रही, स्केच बना रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर सी जगह है। पीछे एक और झरना है ना। वाह, चले अंजलि उधर चले, तुम्हें तो नहीं बनवानी स्केच, बनवा लो। जड़े हैं। सही बात है यार, है ना? ऐसा लग रहा है पुराने जमाने का ना कोई महल। अंजलि तुम पहाड़ में तो आई गई? नहीं, पहाड़ी है। मुझे हिमाचल जाना है, बर्फ तो देखना है। बर्फ अभी नहीं गिर रही, दिसंबर में जाना है। क्या सोच रही अंजलि? मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैंने जानबूझ के तुम्हें धक्का दे दिया इसमें गिरा दिया तो भाग रही है।
ये क्या है? देखना, अगर स्लिप कर गई ना तो मैं नहीं निकालने आऊंगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ बोलो, इधर आ जाओ। वाओ, मैंने मेरे मुंह से निकल ही गया, वाओ। अभी फोटो शूट हो रही है। हाँ क्या, चलो एक बार नहा लेते। जाओ तुम ही नहाओ, हमको नहीं जाना। यार अंजलि, कितना छोटा सा झरना है ना ये, अकेले बह रहा है। उधर सारे, उधर इतने सारे झरने हैं, ये बेचारा इधर अकेला ही, एक सिंगल। मैं तो थक गया हूँ भाई, इधर उधर घूम घूम के अभी से ही थक गया। जाने वाला रास्ता, बट एक बात है यार, मौसम भी आज साथ दे रहा है एकदम, है ना, ठंडा ठंडा है। ऊपर जब हवा तो दी है, उतरने में दिक्कत हो रहा था। चलो किधर से जाना है, किधर से जाना है, किधर से जाना है? चलो यहाँ आ जाओ। फ्रेंड्स ये देखो, अंजलि मैडम अभी से थक चुकी हैं और यहाँ पे, यहाँ पे आकर के बैठ गई हैं। वैसे अंजलि आज इंजॉय कर रही है तुम, हाँ। मतलब है, हाँ। बढ़िया लग रहा है, हाँ। ओके। तो अभी भूल भुलैया हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी पता नहीं लग रहा कि इधर को जाना है हमें। अंजलि किसी से पूछते हैं, और यार ये तो रहा रास्ता सामने। फ्रेंड्स ये रहा रास्ता, दिस वे लिखा हुआ है, पर हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, ये रास्ता फाइनली मिल ही गया हमें। अंजलि ध्यान से, रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, फाइनली मिल गया रास्ता से। एक और झरना, छोटे छोटे घर हैं, चिड़ियों के लिए है ना, नहीं बंदरों के लिए। अच्छा, हाँ यार ऊपर से ही बना हुआ है ना। तो अंजलि को भी एक मुक्का लगा, मुंह बनाया हुआ है। चलो चलो अंजलि बात नहीं करेगी क्या? देखो ना इधर, मारने के लिए एक ही मुक्का लगा अभी तो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब ये जो हरियाली दिख रही है ना, ये देखो मेरे बैकग्राउंड में, मतलब इतना ऑसम लोकेशन लग रहा है ना। और ये देखो अंजलि क्या कर रही है, अंजलि गीली हो जाएगी और मोटी गिर जाएगी ना, तो मैं नहीं आऊंगा बचाने। अंजलि मुंह क्यों फूला हुआ तुम्हारा, मारे का? तो अंजलि को भी एक मुक्का दिया मैंने, कभी चल रही है कभी रुक रही है, परेशान कर रही थी बहुत। एक मुक्का